भारत की प्रमुख 7 नदियों में से एक नर्मदा और 3 प्रमुख महानदी में से एक सोन की उद्गम स्थली है। अमरकंटक इसके अलावा जो इसकी सबसे बड़ी पहचान है वह है यहाँ पर स्थित 51 शक्तिपीठों में से एक सोन शक्तिपीठ, या फिर यह कहें कि काल माधव शक्तिपीठ। यह मंदिर सफ़ेद पत्थरों का बना है और इसके चारों ओर तालाब है। मान्यता है कि यहाँ पर देवी सती का बायां कूल्हा गिरा था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर सती का कंठ गिरा था, जिसके बाद यह स्थान अमरकंठ और उसके बाद अमरकंटक कहलाया। शक्ति से जुड़े इस पावन स्थल को लोगों में अभी कुछ भ्रम है। तंत्र चूड़ामणि से मात्र नितंब निपात का एवं शक्ति तथा भैरव का पता लगता है। नितंब काल माधवे भैरवश्च सितांगश्च देवी काली सुसिद्धिदा। बहरहाल यहाँ पर देवी सती काल माधव और शिव असीतानंद नाम से विराजित हैं। मान्यता है कि इस शक्तिपीठ पर शक्ति को काली तथा भैरव को असीतांग कहा जाता है। शक्ति का यह पावन स्थल काफी सिद्ध और शुभ फल प्रदान करने वाला है। मान्यता है कि माता के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि दूर दूर से लोग माता के इस पावन दरबार में आकर साधना आराधना करते हैं और अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं। दो बड़ी नदियों का उद्गम स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक मैकल पर्वत पर स्थित है। यह मैकल पर्वत विंध्य पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला संधि पर्वत है। इसे पुराणकालीन पर्वत का अंग माना जाता है। इसे भौगोलिक चमत्कार ही कहा जाएगा कि एक ही स्थान से दो नदियां बिल्कुल विपरीत दिशाओं में बहती हैं। इसमें से सोन नदी जहां बिहार के पास गंगा नदी से मिलती है, वहीं नर्मदा गुजरात के फड़ौच नाम स्थान के अरब सागर में जाकर मिल जाती है। अमरकंटक स्थित इस पावन शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए आप रेल मार्ग एवं सड़क के रास्ते पहुंच सकते हैं। अमरकंटक के सबसे करीब पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन है, जहां से यह शक्ति स्थल 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं सड़क मार्ग से आपको मध्य प्रदेश के अनूपपुर पहुंचना होगा, फिर वहां से 48 किलोमीटर की और यात्रा करने के बाद अमरकंटक में आपको माता के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा।